नमस्कार दोस्तों, एक नया जबरदस्त वीडियो के साथ आ चुका हूँ मैं आप लोग के पास। और आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं राइट का WR-800, जो कि एक बजट रेंज में एक बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन प्रमिसिंग करता है। और अगर आप एक यूट्यूबर हो और अगर आपको एक नया माइक खरीदना है, कॉलर माइक नहीं, कॉलर माइक तो बोया का आता है, बट अगर आपको एक प्रीमियम गुड क्वालिटी ब्रांडेड माइक चाहिए, देन आई कैन से दैट दिस माइक इज़ वेरी वेरी गुड। पीछे बहुत सारी चीज़ें लिखा है कि बहुत सारे सामान फ्री देंगे अगर आप इस पर्टिकुलर माइक को खरीदते हो, तो ठीक है, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। बॉक्स फील्स प्रीमियम, बहुत सारे अंदर चीज़ें हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें लिखा हुआ है जो कभी नहीं पढ़ेंगे, फिर आ जाता है बिना ज्ञान के ज्ञान वाली बातें जो हर समय आता है। फिर इसके बाद आ जाता है ये सॉफ्ट माउंट, जो कि माइक को आप इसके ऊपर रख सकते हो शॉक प्रिवेंट करने के लिए। फिर ये आ जाता है XLR केबल, जो माइक और ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करता है। फिर ये है साउंड कार्ड, जो कि है पीछे माइक्रोफोन और स्पीकर का अलग अलग आपको जगह मिल जाएगा। फिर इसके साथ साथ आ जाता है ये एंटी विंड कैप, और फिर आ जाता है 3.5mm स्प्लिटर, जिससे आप माइक्रोफोन और ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है मेन माइक, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है, 215 ग्राम का है, लुक्स रियली रियली गुड, बहुत ही प्रीमियम लुकिंग एक माइक्रोफोन है। इसके साथ साथ राइट का ब्रांडिंग आ जाता है WR-800 नीचे लिखा हुआ, और ऊपर भी जो रेड कलर का चीज़ आप देख रहे हो वो मेन वायर है, वो मतलब जो नॉर्मल माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट होता है वही वायर है। लुक्स रियली रियली गुड, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। फिर इसके साथ साथ दूसरा बॉक्स में सबसे पहले आ जाता है ये स्टैंड, जो कि आप मल्टी डायरेक्शनल मल्टी फोल्डेबल 360 डिग्री आप इसको घुमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ साथ आपको मिल जाता है एक स्क्रू, जिससे आप इसको एक पर्टिकुलर रेस्ट के साथ इसको आप लगाते हो। एंड फिर इसके बाद आ जाता है पॉप फिल्टर, जिससे आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा होता है। मैं अभी पॉप फिल्टर यूज़ कर देख रहा, इसलिए आपको मेरा आवाज़ ऐसे सुनाई दे रहा है। इट्स रियली रियली गुड, बहुत प्रीमियम कावा साउंड होता है अगर आप गाना गाते हो तो, बहुत अच्छा है। फिर आ जाता है ये चेयर, और इस चेयर के ऊपर ही हम लोग माइक्रोफोन को सेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टेबल नहीं है, तो इसी के साथ सेट करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं लगा दिया हूँ, इसको ऐसे करके घुमा घुमा के करना पड़ता है, सो थोड़ा सा टायरिंग प्रोसेस है, बट अगर आप राइट से लगा देते हो तो बहुत ही अच्छा है, रियली गुड। फिर इसके साथ इसके अंदर आपको मेन स्टैंड लगाना पड़ेगा, सो वो करते हैं अभी, और स्टैंड को भी हम ला के रखते हैं। पहले एक चीज़ देख लीजिए कि कैसे स्प्रिंग के साथ बहुत ही अच्छे से ये ऐड किया है, ये लोग स्प्रिंग देखे, सो आई मस्ट गिव देम पॉइंट देयर। फिर इसके बाद इसको लगा देते हैं ऐसे, बहुत ही बढ़िया। फिर हम इसको घुमा के भी देख लेते हैं कि ये घूम रहा है, सो या रियली नाइस। मैंने जैसे कहा 360 डिग्री ये मूव करता है, और आर्म्स रोटेट अप टू 180 डिग्रीज, सो रियली 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 गुड। वाह वाह, कमाल है कमाल है। फिर अभी हम आपको दिखाएंगे एकदम इनसाइड व्यू इस माइक के ऊपर। तो सबसे पहले ये वाला माइक है, जिसके ऊपर एंटी विंड कैप लगा के राइट का ब्रांडिंग, बहुत ही प्रीमियम फ्लिक्स, पूरा स्टूडियो का फील आपको आ जाता है जब आप इसको यूज करते हो। मैं पर्सनली, मेरे को यही लगा कि एक पूरा लगता है कि आप स्टूडियो पे रिकॉर्ड कर रहे हो। फिर पीछे बहुत सारा कचरा है, एज यूजुअल जो सेटअप में जैसे होता है, हर जगह आपको चीज़ें दिखाई देते हैं। फिर स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत जन स्पेसिफिकेशंस को बहुत मायने रखते हो जब खरीदते हो, तो इसका स्पेसिफिकेशंस है कि सेंसिटिविटी है 27 mV/PA, फिर आउटपुट इम्पिडेंस है 50 ओम्स का, फिर रेटेड लोड इम्पिडेंस है less than 1K, फिर जो SMR है वो है आपका 87 dB का SNR, और फिर MSP जो है मैक्सिमम साउंड पोटेंशियल वो है 2.5K/130 dB। फिर इसके साथ डायनामिक रेंज 131 dB पावर मैक्सिमम आपको देना पड़ता है 48 वोल्ट। फिर वेट है इसका 215 ग्राम, जो कि स्लाइटली हैवी साइज में मैं कहूंगा, बट अदर देन दैट इट्स रियली गुड। साइज के बारे में अगर बात की जाए तो 5 cm विड्थ आ जाता है, 6 cm हाइट आ जाता है। एक सांस में मैंने कितना बोल दिया मेरे को भी पता नहीं है, बहुत बोल दिया एक सांस में, बट आप इसे, मेरे को पता है कि बहुत दिन कोई कुछ समझ नहीं आया होगा। तो सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो सभी स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सही है, बहुत ही स्पेसिफिकेशंस है। पावर भी एकदम जनरल है, वेट स्लाइटली हैवी साइड में, बट आप जब इसको लॉन्ग टाइम यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा भी कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा। अदर देन दैट वेरी गुड पैकेज है, मस्त है। अगर आपको एक प्रीमियम माइक्रोफोन चाहिए, इसका कॉस्ट लगभग 1900 पड़ता है अगर आप अमेजोन में देखते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप HDFC बैंक आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो उससे आपको 5% कैशबैक मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा अगर मैथ्स करते हैं तो आपका कॉस्ट कुछ लगभग 50-60 रुपया कमेगा, एंड इट यू कैन गेट अराउंड 1800 के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा माइक्रोफोन चाहिए तो ले लो, यस आई विल से दैट ओनली। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो है नॉर्मल स्मार्टफोन का माइक से, जो कि थोड़ा बहुत अलग आपको सुनाई दिखा,
और अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो दैट इज कमिंग फ्रॉम द पीसी, मतलब मेन हमारा लैपटॉप को पीसी से ये वाला माइक जो रिकॉर्ड कर रहा है। सो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि डिफरेंस आपको किस में ज़्यादा लगा है। मेरे को जस्ट ऐसा लग रहा था ट्राई करने के लिए, तो मैं बिना पॉप फिल्टर का भी एक बार कोशिश किया और एक बार विंड कैप भी लगा के हम ट्राई करने वाले हैं। सो ये हम लोग विंड कैप भी लगा लिए हैं, तीनों अलग अलग टाइप का हमने यूज़ किया, टेस्ट किया। आप पता है आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा? मेरे को सबसे पर्सनली ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा विंड कैप के साथ, क्योंकि अगर ये वाला हम यूज़ करते थे तो माइक को मुँह को ज़्यादा सामने ले जाना पड़ता माइक का, बट दिस इज़ अ बेटर सेटअप। तो आपको बता दीजिए नीचे कमेंट करके कौन सा सेटअप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और बहुत सारे अभी कूल चेंजेस हम करने वाले हैं, इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। और इसका एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे 3-4-5 महीने यूज़ करने के बाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक का एक बटन दिख रहा है उसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम चलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्टिंग नहीं हो गया? नहीं, ये नॉर्मली सही है, बट या रियली नाइस।